आज हम बिना गैस और बिना व्हिपिंग क्रीम के बनाएंगे मैंगो रोल कट कुल्फी। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और घर पे रखी हुई चीज़ों से बहुत ही आसान तरीके से आप इस रोल कट कुल्फी को बना सकते हो। तो चले देखते हैं इस मैंगो रोल कट कुल्फी बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पका हुआ आम, जिसे मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। और आप इसके लिए ना कोई भी वेराइटी का आम ले सकते हो, बट आम आपका मीठा होना चाहिए। तो इसे ग्राइंडिंग जार में अभी हम डाल देंगे, उसके साथ हम यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लेना है। मैंने यहाँ पे 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा चीनी यूज़ किया है। आम का जो स्वीटनेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीनी ऐड करना है। तो मैंने एक फाइन सा प्यूरी यहाँ पे बना लिया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। 200 ml मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम लिया है। आप इसके जगह घर की जो फ्रेश मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही में मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करके बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, यानी कि अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। मिल्क पाउडर यहाँ पे ऑप्शनल है, बट मिल्क पाउडर ऐड करने से आइसक्रीम में जो आइस क्रिस्टल आ जाती है वो नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का आइसक्रीम बनेगी। तो एक बोल में मैंने सारे जो मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लिया है और एक क्लिंग रैप से उसे अच्छे से सील कर लिया है। आप चाहो तो इसके जगह एल्यूमिनियम फॉइल से उसे अच्छे से रैप कर सकते हो। फिर इसे अभी हम 1 से 2 घंटा के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो 2 घंटे के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो मिक्सचर है यहाँ पे पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, बस साइड साइड से इसे सेट होना स्टार्ट हो गया है। तो एक स्पून या फिर एक स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से उसे मिक्स करेंगे एक बार। फिर अगेन उसे एक ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। फिर 1 से 2 मिनट के लिए हम उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इससे हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो बहुत अच्छे से क्रीमी बनेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और एक बार ब्लेंड करने के बाद आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो और थोड़ा क्रीमी बन गया है और एकदम फ्लफी बन गया है। तो इन मिक्सर को हम सेम बोल में डाल देंगे। फिर हम उसमें थोड़ा सा पका हुआ आम भी ऐड करेंगे। तो 1/2 कप मैंने यहाँ पे पका हुआ आम लिया है, जिसे मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। अच्छे से हम उसे फोल्ड कर लेंगे मिक्सर के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो आइसक्रीम का बेस है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे अभी हम सेट करेंगे। ये देखिए, इस टाइप का मैंने यहाँ पर ग्लास लिया है। तो हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है उसे ग्लास के अंदर हम भर देंगे। आप इसे जो चाय पीने वाला पेपर कप आती है या फिर पानी पीने वाला जो पेपर ग्लास आती है, आप इसे भी इस मिक्सचर को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास के अंदर भर लिया है मिक्सचर को, और बाकी मेरा कुछ मिक्सचर बच गया था। तो इस टाइप का मैंने एक स्टील का कंटेनर लिया है। तो सारे जितना भी बचा हुआ मिक्सचर को हम इस कंटेनर में डाल देंगे। फिर हम उसे एक फॉयल पेपर से इसे कवर कर लेंगे। फॉयल पेपर नहीं है आपके पास तो कोई भी प्लास्टिक सीट या फिर पॉलीथीन से आप उसे अच्छे से रैप करके फिर एक रबर बैंड की मदद से उसे सिक्योर कर सकते हो। तो अभी देखिए, तीनों ग्लास को मैंने अच्छे से सील कर लिया है। तो इसे अभी हम 8 से 10 घंटा या फिर ओवरनाइट के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे, ताकि हमारा जो आइसक्रीम है वो अच्छे से सेट हो जाए। 10 घंटे के बाद यहाँ पे देखिए, आइसक्रीम हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। चेक कर लेंगे अभी। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है आइसक्रीम। तो सारे रैपर को अभी हम निकाल लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, एक बोल हो या फिर एक मग हो, उसे पानी भर लेंगे। फिर हम ग्लास को, मतलब आइसक्रीम जिसमें है, हम उसी मग के अंदर 10 से 20 सेकंड के लिए हम इसे डिप करेंगे, ताकि हमारा जो आइसक्रीम है वो ग्लास के अंदर से बहुत इजीली निकल आएगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो रोल कट आइसक्रीम है मैंगो वाली, वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी हम एक नाइफ़ की मदद से इसे मोटे मोटे स्लाइस कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेडी हो गया है मैंगो रोल कट कुल्फी। आपने देखा, इसे बनाने के लिए हम आज कोई गैस का यूज़ नहीं किए हैं, कोई बीटर का भी यूज़ नहीं किए हैं, व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ नहीं किए हैं, और बिना इन सारे चीज़ों के हमारा आइसक्रीम बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का बना है। तो आज की इस रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ 2 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे एक न्यू और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।